हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट से रिलेट करता एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी आज का टॉपिक होने वाला है, वह है सोलर एनर्जी स्टॉक्स का। सोलर सेक्टर में आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या उनके टारगेट्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है ताकि ऑल ओवर इस सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिले। लॉन्ग टर्म विजन के साथ यहाँ पर कौन से ऐसी कंपनीज है जो सोलर सेक्टर से रिलेट करती हुई, उस कंपनीज के स्टॉक्स को हम टारगेट करके फ्यूचर में हम भी मल्टी बैगर रिटर्न्स बना पाए और अपने लिए एक नया वेल्थ क्रिएट कर पाए और इंडिया की इस नई ग्रोथ जर्नी का हम पार्ट बन सके। इस वीडियो में कोशिश की है लगभग सभी कैटेगरी स्टॉक्स में से, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जो सोलर सेक्टर में काम करते हैं, इन स्टॉक्स में इतनी पोटेंशियल हो कि वो आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स बना के दे पाए। उन कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान क्या है, ये भी आज हम बात करेंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म विजन बनाने में हमें आसानी हो। तो यही सब पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि सोलर सेक्टर में कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उन कंपनीज के पास कितना ग्रोथ पोटेंशियल है कि वो अपने इन्वेस्टर के पैसे को 100 गुना तक मल्टीप्लाई करने का दम रखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिए, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, जिस वजह से गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस इस पार्टिकुलर सेक्टर को लेकर है। इंडिया का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट पावर क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 50% बिजली जनरेट करने का लक्ष्य और 2070 तक नेट जीरो कार्बन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेड कैपेसिटी गीगावाट को अगर हम देखें, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 94.4 गीगावाट था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 111.4 गीगावाट हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 125.2 गीगावाट तथा फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 132.7 गीगावाट हो गया, जिसमें से सोलर पावर से 72.3 गीगावाट, विंड पावर से 44.56 गीगावाट, बायो पावर से 10.83 गीगावाट तथा स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.98 गीगावाट है। इन सबसे यह पता चलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कितना ग्रोथ कर सकता है आने वाले समय में। इनमें पहली कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। वैसे तो कंपनी मुख्य रूप से इन्वॉल्व है बिजली के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन टाटा पावर का टारगेट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। कंपनी का टारगेट 2025 तक 1,00,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। टाटा पावर का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर ये लक्ष्य है 2045 तक नेट जीरो बनना तथा नेक्स्ट क्वार्टर में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को पाना है। भारत की नंबर वन सोलर रूफटॉप कंपनी है टाटा पावर। कंपनी का मार्केट कैप 1,20,992 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस 379 रुपीज के करीब है। जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कंपनी के स्टॉक पी 35.4, वहीं पे कंपनी का ROC 11.7% के करीब है, कंपनी का ROE 12.6%, कंपनी का इंडस्ट्री पी 27.3, वहीं पे कंपनी का PG रेशियो 0.79 के करीब है, कंपनी का शेयर प्राइस उसके PG रेशियो की तुलना में सस्ता नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। जैसे जैसे स्टॉक्स में गिरावट होती जाए, इसमें सेफ्टी मोर में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 46.86% करीब है, FIs की होल्डिंग 9.85% करीब है, DIs की होल्डिंग 16.11% करीब है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.32% करीब है, पब्लिक की हिस्सेदारी 26.87% के करीब है। अगला स्टॉक्स है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो सोलर एनर्जी के व्यवसाय में लगी हुई है। गुजरात शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट सोलर पार्क है। अभी हाल ही में ICR रेटिंग एजेंसी ने ए ग्रेड की रेटिंग दी है KPI ग्रीन एनर्जी को। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देखें तो कंपनी का टारगेट है 2025 तक 1000 मेगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने का। वहीं पर कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,492 करोड़ का है। कंपनी के स्टॉक प्राइस 1,409 रुपए करीब है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। कंपनी का स्टॉक पी 56.1, वहीं पर कंपनी का ROC 24.7% करीब है, कंपनी का ROE 53.4% है, कंपनी का इंडस्ट्री पी 101 है, कंपनी के ऊपर कर्ज
838 करोड़ का है। कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें जो TTM 71% का है, वहीं पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 72% का है। कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी ने एक साल में 372% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.8% है, FIs की होल्डिंग 5.96% है, DIs की होल्डिंग 2.09% है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें 38.86 है। ये रही कंपनी की अच्छी अच्छी बातें। अब कंपनी की कुछ खराब बातों को भी जान लें। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटरों द्वारा प्लेज रखे गए हैं, ये किसी बिजनेस के लिए बहुत खराब बात मानी जाती है। कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखे गए हैं, अगर कंपनी टाइम पे अपने शेयर्स को नहीं छुड़ाती है तो जिसको भी शेयर प्लेज किया गया है वो अपना पैसा लेने के लिए शेयर्स को बेच सकता है, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। कंपनी का प्लेज परसेंटेज को देखें जो दिसंबर 2023 में 45.52% प्लेज है। पहली कंपनी है वास सोलर लिमिटेड जो 2009 में स्थापित हुई थी, जो सौर ऊर्जा उत्पादन और उसकी ट्रांसमिशन के व्यवसाय में लगी हुई है। यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 207 करोड़ रुपए का है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 156 रुपए है और वहीं पे कंपनी का पी रेशियो 19.3 है। वहीं पे कंपनी का ROC 6.73%, वहीं पे कंपनी का ROE 5.59%, कंपनी का इंडस्ट्री पी रेशियो 27.3 और कंपनी का PG रेशियो 0.89 है। और वहीं पे कंपनी का प्लेज जो है, जो कंपनी द्वारा बैंकों को या किसी और को गिरवी रखा गया है, वो 73.1% का है। कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ -7% का है, वहीं पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ एक ईयर में 52% का है। वहीं पे कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR एक साल में कंपनी ने 269% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटरों द्वारा कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो 69.75% है सितंबर 2023 तक, वहीं पब्लिक की जो इसमें हिस्सेदारी है वो 30.26% है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। जहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत तो रिस्क तो मिलता ही है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की आप अच्छे से पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। किसी के कहे सुने में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अपने हार्ड मनी को इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक्स के बारे में आप जरूर एनालिसिस करिए। जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया वो मेरा पर्सनल राय था। ये स्टॉक्स आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही देखना चाहिए। ये वीडियो किसी भी प्रकार का आपको बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं करता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इन स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।